आखिरी तालुका में निजामपुर थाने की सीमा के भीतर सैराट की कहानी को दोहराया गया। धुले के साकरी तालुका में एक दुर्भाग्यपूर्ण और चौंकाने वाली घटना हुई, जहां एक 22 वर्षीय बहन को उसके प्रेम संबंध होने के संदेह में पीटकर उसका गला घोटकर मार डाला। इतना ही नहीं, उसी रात उसका अंत्यविधि भी किया गया। पुलिस ने आनन फानन में आरोपी भाई को पकड़ लिया। 24 साल के संदीप रमेश हालोर को शक था कि उसकी बहन पुष्पा का किसी के साथ प्रेम संबंध है। इसी बात पर गुस्सा होकर रात में उसकी पीट पीट कर गला दबाकर हत्या कर दी और उसी रात उसका अंतिम संस्कार भी किया गया। ऐसी गोपनीय सूचना मिलने के बाद निजामपुर पुलिस की जांच टीम हट्टी गांव क्षेत्र के लिए रवाना हुई और खबर की पुष्टि की। आरोपी संदीप हालोर गाँव में ही मिला। इस बीच पुलिस द्वारा पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस की पूछताछ पर संदीप ने सब कुछ बताना शुरू किया। उसने दी हुई जानकारी के मुताबिक उसकी बहन पुष्पा रमेश हालोर का एक लड़के से प्रेम संबंध था और उसका भागने का इरादा भी था। इस बात का पता चलने की वजह से हट्टी गांव के पास के शिवमिंडा में गुस्से में आकर उसने उसकी साड़ी की लेस फाड़ दिया और एक नींबू के पेड़ से बांधकर एक फंदा बनाया। जान से मार डालने के इरादे से उसे धकेलकर जान जाने तक वही खड़ा रहा। सारी घटना के बाद घर जाकर पुष्पा ने खुदकुशी कर ली, ऐसा जताकर उसी रात उसका अंतिम संस्कार किया गया। आरोपी ने कहा कि अंतिम संस्कार के दौरान उसके शरीर के सारे कपड़े और गले में बनी साड़ी लेस को सभी सबूत मिटाने के इरादे से जलाकर नष्ट कर दिया गया। इसके बाद निजामपुर पुलिस ने पूरे मामले को सुलझाते हुए आरोपी भाई को हिरासत में ले लिया है। साकरी कोर्ट ने अब आरोपी भाई को 19 जून तक के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया है। दिल दहला देने वाली इस घटना से पूरे तालुका में हड़कंप मच गया है। दिनांक 16 रोजी मला एका गोपनीय बातमीदारामार्फत माहिती मिळाली होती की हट्टी गाव शिवारामध्ये एका मुलाने त्याच्या बहिणीचा खून केलेला आहे। तिला आणि लगेच अंत्यविधी आवरून घेतलेला आहे। त्याचा आम्ही तपशीलवार शोध घेतला आणि त्यात असं कळालं की तिथं राहणारा संदीप हालोर म्हणून मुलगा आहे, त्याने जी विवाहित बहीण जिथं 2-3 महिन्यापूर्वीच लग्न झालेलं होतं तिच्या काही प्रेमसंबंधातून त्याच्यात वादावादी झाली, त्याने तिला गळफास घेऊन मारलं आणि 2 तासातच लोकांना तिने गळफास घेतला असं खोटं सांगून अंत्यविधी आवरून घेतला आणि मग आम्ही त्याला ताब्यात घेऊन चौकशी केली, विचारपूस केली आणि त्याने सगळी माहिती दिल्यानंतर त्याला दाखल गुन्हा अटक केलेली आहे। पुढील तपास सुरू आहे। लव यू दीपिका, बाय। सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि।